वेल हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल और आप बताओ क्या हाल चाल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस फ्रेश कमाल वीडियो में। और आज की वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही कमाल का ट्रिक बताने वाला हूँ, जिस ट्रिक से आप अपने पेटीएम पोस्टपेड का जो पैसा है उसको बैंक पे ट्रांसफर कर पाओगे। तो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर होगे तो आप लोगों को पता होगा कि पिछले मंथ मैंने एक ट्रिक डाला था, जिस ट्रिक से आप अपने पेटीएम पोस्टपेड का जो पैसा है उसको बैंक पे ट्रांसफर कर लेते थे। उस टाइम वो ट्रिक बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट वर्क कर रहा था, बट अभी कुछ दिनों से वो ट्रिक जो है वो काम नहीं कर रहा है। और क्यों काम नहीं कर रहा उसके बारे में बताऊंगा, और आप लोगों को क्या करना होगा, कौन सा ट्रिक अभी न्यू अप्लाई करना है जिससे आप अपने पेटीएम पोस्टपेड का पैसा को बैंक पे ट्रांसफर कर पाओगे, ठीक है। तो क्या करना है और कैसे करना है पूरा प्रोसेस आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। तो बस सिंपल सा वीडियो पूरा एंड तक का जरूर से देखना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजूसी मत करना। कोई भी ऑफर हो या उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर बताता हूं। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गाइस, चलिए आप लोग को दिखा देता हूँ कि कैसे आप अपना पोस्टपेड का पैसा को बैंक पे ट्रांसफ़र कर सकते हो और जो हमारा पुराना वाला ट्रिक है वो वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके मैजिक पिन वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो मैजिक पिन का जो पेज है वो ओपन हो गया है। अभी क्या करना है, हमें इसको बैक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बैक का बटन है, उसको हम लोग क्लिक करके इसको बैक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को सर्च करना है अमेज़ॉन, तो हम लोग अमेज़ॉन सर्च कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे अमेज़ॉन का ऑप्शन आ गया है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम देख सकते हो कि यहाँ पे दिखाता है कि वॉचर्स आर ऑलरेडी सोल्ड आउट, यानी कि जितने भी सारे वॉचर्स थे सभी खत्म हो गए हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, पेटीएम हम लोग को उल्लू बना रहा है। तो अभी हम लोग को क्या करना है ना कि सबसे पहले हम इसको कुछ क्लोज कर देते हैं, उसके बाद हम चलते हैं मैजिक पिन के एप्लीकेशन पे जो हमने इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है। तो मैजिक पिन का जो एप्लीकेशन है यहाँ पे ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद यहाँ पे वापस से हम लोग को जो है अमेज़ॉन सर्च करना है। तो अमेज़ॉन पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद बूम गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हो कि नीचे जितने भी सारे यहाँ पे वॉचर्स है सभी वॉचर्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, जो कि 500 का है, 1000 का है, यहाँ पर देख सकते हो 2000 का है, यहाँ पर 5000 का है, यहाँ पे 10000 का है, ठीक है। मतलब इनमें से कोई भी वॉचर आप खरीद सकते हो। मैजिक पिन के एप्लीकेशन पर तो ये शो कर रहा है, बट आप जब पेटीएम से मैजिक पिन पर जाते हो तो वहाँ पर शो नहीं कर रहा, क्योंकि पेटीएम ने जो है ट्रिक लगाया है और लोगों को यहाँ पे उल्लू बना रहा है, यहाँ पे वॉचर्स को गायब कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो भी आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जितने भी सारे एप्लीकेशन है उसको क्लोज करना है, उसके बाद पेटीएम में वापस आना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो प्रोफाइल का एक ऑप्शन है जहाँ पे पॉइंट शो कर रहा है, जहाँ पे मेरा फोटो भी है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पे आपका हिस्ट्री दिखाएगा कि कितना आपने यहाँ वाउचर खरीदा था और कब कब यहाँ पे वाउचर खरीदा था। तो आप देख सकते हो एक मैंने जो है 15 तारीख को खरीदा था, एक यहाँ पे 2 तारीख को खरीदा था, और वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे मैंने परचेस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग को अभी करना क्या ना कि बाय अगेन वाला ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है। तो जैसे आप बाय अगेन वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हो बूम गाइज, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास वापस से इसको परचेस करने का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि नीचे हमारे पास पे नाउ का ऑप्शन है, पे यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं 495 रुपीज़, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वापस से पेटीएम पोस्टपेड का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर वापस आ गया है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से आप लोग वापस से वाउचर को खरीद सकते हो और उस वाउचर को यूज़ करके अपने बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को करना क्या है, आप डेट और टाइम भी देख सकते हो, 5 जून का है। तो अभी मुझे वाउचर नहीं खरीदना है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, और कैंसिल करने के बाद आप लोग को एक वापस से एक बार जो है दिखा देता हूँ। तो नीचे आप देख सकते हो कि पे नाउ का ऑप्शन वापस से शो कर रहा है, तो क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद अभी देख सकते हो वापस से फिर एक बार हमें पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। यानी कि ये ट्रिक आप जितनी बार भी ट्राई करोगे उतनी बार यहाँ पे वर्क करेगा। तो अभी आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी आपको वाउचर परचेस करना है उसको परचेस कर लेना, बिकॉज मुझे अभी परचेस नहीं करना है। और किसी भी ट्रिक से आप इसको अपने पेटीएम पे ले सकते हो या फिर कोई भी बैंक पे ले सकते हो। तो अभी अमेज़ॉन में जो है अमेज़ॉन पे से भी आप गोल्ड खरीद के उसको परचेस करके सेल कर सकते हो। तो हम यहाँ पर मेरे अमेज़ॉन पे 10 रुपीज़ है, तो उसी को गोल्ड खरीद के आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कर देते हैं, उसके बाद पेमेंट कर देते हैं। तो 10 रुपीज़ मेरे अमेज़ॉन पे बैलेंस में था, उससे हमने यहाँ पे गोल्ड खरीद लिया, और उसके बाद वापस से उसको सेल कर देते हैं। और सेल करने के बाद आप देख सकते हो गाइज इंस्टेंटली वो हमारे बैंक अकाउंट पर आ जाएगा, ठीक है। पहले थोड़ा टाइम लगता था यहाँ पर सेल करने के बाद, बट अभी जो है न्यू अपडेट के बाद जो पैसा होता है अमेज़ॉन पे से बैंक पे वो इंस्टेंट यहाँ पर आ जाता है। जैसे आप यहाँ पर सेल करते हो ना, इंस्टेंट यहाँ पर पैसा जो है बैंक अकाउंट पर वापस आ जाता है, यानी कि बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाता है। तो कंफर्म टू सेल पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के साथ साथ आप लोग देख सकते हो हमें एक नोटिफिकेशन यहाँ पे रिसीव हो गया है, और हमें 9 रुपीज़ जो है हमारे बैंक अकाउंट पे रिसीव हो गया।
तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे आप लोगों का हेल्प जरूर हुआ होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर से कर देना है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम के लिए विजिट कर रहे हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, बिकॉज मैं ऐसे ही बहुत ही कमाल के वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो पे इससे भी बढ़िया ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।